जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, और न्यूज़पेपर एनालिसिस के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि करेंट अफेयर्स और इसके अलावा जो उससे जुड़ा हुआ परंपरागत प्रश्न होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं और चना समेत रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, यानी कि 50 रुपये से लेकर 300 रुपये तक क्या है कि ये जो रबी फसल है उसके मूल्य में क्या की गई है, वृद्धि की गई है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से रबी फसल है जिसके मूल्य में वृद्धि की गई है। तो ऐसे में आपको गेहूं में जिसका समर्थन मूल्य जो है 1975 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, वहीं जौ का 1600 रुपये प्रति क्विंटल, चना का 5100 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर का 5100 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का 4650 रुपये प्रति क्विंटल, कुसुम का 5327 रुपये प्रति क्विंटल। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न किया जा सकता है कि हमारे भारत में ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसका निर्धारण कौन करता है। तो इसका जो निर्धारण करता है वो आपको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। तो यहाँ से एक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन भारत में कब हुआ था। तो यह आपको 1965 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है, और इसके जो अभी चेयरमैन है वह है आपको विजय पॉल शर्मा। तो फिर यहाँ से इसको कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर जो होते हैं घुमा कर भी कुछ प्रश्न पूछ देते हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा कि MSP क्या होता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वह क्या होता है, यानी कि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य होता है वह क्या होता है। तो देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा पर क्या होता है कि भारत सरकार किसानों की फसल के लिए एक मूल्य निर्धारित करता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। तो इस न्यूनतम समर्थन वाले जो फसलें होती है उसमें कुल मिलाकर आपको 26 फसलें को रखा गया है, जैसे आपको चावल हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, आदि हो गया। तो इसमें आपको क्या है कि 7 अनाज है, 5 दलहन है, 8 तिलहन है, और इसके अलावा अन्य फसलें भी इसमें शामिल है। आइए अब हम बात करते हैं NTRO के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह कौन बने हैं। तो NTRO के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह आपको अनिल धस्माना बने हैं। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न किया जा सकता है कि NTRO आखिरकार है क्या। तो देखिए, NTRO जो है वो आपको रॉ की तरह, CBI की तरह क्या है कि भारत की एक खुफिया एजेंसी है, लेकिन तकनीकी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तकनीकी क्षेत्र में, ठीक है। तो इस NTRO का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान। इसका जो गठन हुआ था 2004 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है, और इसके जो यानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो आपको रॉ था, यानी कि इसने रॉ का क्या किया है, स्थान लिया है। बात करते हैं विश्व अल्जाइमर दिवस। तो देखिए, विश्व अल्जाइमर दिवस जो है वो आपको प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो यह दिवस क्या होता है कि आपको अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया के बारे में जागरूकता प्रसारित करने के लिए मनाया जाता है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि डिमेंशिया क्या होता है। तो देखिए, डिमेंशिया जो होता है वो क्या होता है कि भूलने की एक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि लोग जो होते हैं वह अपने व्यवहार में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। इसके अलावा शरीर की जो अन्य प्रक्रिया होता है उसको नुकसान पहुंचता है। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। तो ये जो अल्जाइमर रोग है, इसकी खोज 1906 ईस्वी में जर्मन के जो एक डॉक्टर थे एलोइस अल्जाइमर, उसी के द्वारा क्या किया गया था, अल्जाइमर रोग की खोज की गई थी। इसीलिए इस बीमारी का नाम जो पड़ा था उन्हीं के नाम पर अल्जाइमर पड़ा। तो अल्जाइमर जो होता है एक मस्तिष्क का रोग होता है, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अल्जाइमर किसका रोग है, तो वो आपको एक मस्तिष्क का रोग है, ठीक है। और यह मस्तिष्क की जो कोशिका होती है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण से रोगी जो होते हैं उसके याददाश्त में कमी आ जाती है। अब हम बात करते हैं IRDA के बारे में। तो ये जो IRDA है, सबसे पहले यह अभी चर्चा में क्यों है, तो इसने क्या किया कि KYC को वीडियो के माध्यम से भी मंजूरी प्रदान की है। तो KYC आखिरकार है क्या, तो देखिए KYC का पूर्ण रूप आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो KYC का पूर्ण रूप होता है नाउ योर कस्टमर। अब हम बात करते हैं IRDA के बारे में। तो IRDA आखिरकार है क्या, तो यह एक इंश्योरेंस कंपनी है, और इसका जो पूर्ण रूप होता है वह क्या होता है, तो आपको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो भारत में बीमा से संबंधित जो भी कार्य होती है उसकी देखरेख जो करने वाली एक संस्था है वो आपको IRDA, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको हैदराबाद में, और इसकी स्थापना 1999 में हुआ था, और इसके जो अभी अध्यक्ष है वो आपको सुभाष चंद्र खुंतिया है।